हरे कृष्णा राधे राधे। कार्तिक का ये पावन महीना अनंत फल देने वाला है। इस महीने में किए गए किसी भी कर्म का फल हमें कई गुना होकर मिलता है। अब आज इस वीडियो में हम आने वाले पर्वों के विषय में चर्चा कर रहे हैं। गोपाष्टमी कब है, आंवला नवमी, देवउठनी एकादशी, तुलसी विवाह, पंच भिखु व्रत कब से कब तक करेंगे, कार्तिक स्नान का उद्यापन कब होगा आदि सभी विषयों पर आज हम चर्चा करें। इसलिए वीडियो अंत तक जरूर देखें। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर दें। आपका एक कमेंट और लाइक हमें और वीडियोस बनाने के लिए प्रेरित करता है। इसलिए एक जयकारा तो बनता है, बोलो बांके बिहारी लाल की जय। प्रेम भरी राधे राधे। वीडियो शुरू करते हैं। मासिक दुर्गा अष्टमी व्रत और गोपाष्टमी। सबसे पहले चर्चा करते हैं मासिक दुर्गा अष्टमी व्रत की और गोपाष्टमी की। मान्यता के अनुसार कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा से लेकर सप्तमी तक भगवान श्री कृष्ण ने अपनी उंगली पर गोवर्धन पर्वत धारण किया था। आठवें दिन इंद्र अहंकार रहित होकर श्री कृष्ण की शरण में आया था और क्षमा याचना की थी। तभी से कार्तिक शुक्ल अष्टमी को गोपा अष्टमी का उत्सव मनाया जाता है। कई लोग ये भी कहते हैं कि इस दिन से कान्हा जी ने गौवे चराना शुरू किया था, माँ यशोदा ने गौओं की पूजा करके फिर उन्हें भेजा था, इसलिए इस दिन गौओं की पूजा का विधान है। इस साल 2021 में गोपाष्टमी 11 नवंबर और 12 नवंबर दो दिन की है। बांके बिहारी जी मंदिर में, राधा रमन जी मंदिर वृंदावन में, गौरिया मठ में, इस्कॉन में 12 नवंबर दिन शुक्रवार को गोपाष्टमी मनाई जाएगी। वही कैलेंडर्स में 11 नवंबर को गोपा अष्टमी पर्व की जानकारी दी हुई है। हम पर्सनली 12 नवंबर को ही गोपा अष्टमी पर्व मनाएंगे। मासिक दुर्गा अष्टमी व्रत 11 नवंबर 2021 दिन बृहस्पतिवार को ही रखा जाएगा। आंवला नवमी। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी अक्षय या आंवला नवमी के नाम से मनाई जाती है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है और आंवले के पेड़ की पूजा भी बहुत बहुत फलकारी होती है। इस दिन स्नान, दान, व्रत पूजा का विधान है। अक्षय नवमी के दिन आंवले के पेड़ के नीचे खाना बनाकर खाने का विशेष महत्व है। अगर आंवले के पेड़ के नीचे खाना बनाना संभव ना हो तो घर से खाना बनाकर आप ले जा सकते हैं। मंदिर वगैरह कहीं भी जहां पे आंवले का वृक्ष हो उसके नीचे जाके पूजा करें और फिर कुछ ना कुछ खाना जरूर खाएं। इस दिन पानी में आंवले का रस मिला के स्नान करना चाहिए, बहुत अच्छा होता है। आंवला नवमी भी इस साल 2021 में दो दिन यानी 12 नवंबर और 13 नवंबर की है। कैलेंडर में 12 नवंबर की बताई गई है। वहीं बांके बिहारी जी में, राधा रमन जी मंदिर वृंदावन में 13 नवंबर की अक्षय नवमी होगी। साथ ही इस दिन मथुरा वृंदावन में युगल परिक्रमा का विधान भी है। हम पर्सनली 13 नवंबर की ही आंवला नवमी बनाएंगे। इस दिन परिक्रमा का भी विशेष महत्व होता है। तो भगवान की, ग्राम की, आप है ना कार्तिक महत्तम में सुनेंगे, परिक्रमा जरूर लगाएं। आशा दशमी। आशा दशमी 13 नवंबर दिन रविवार की है। देव उठनी एकादशी, उत्थान एकादशी। अब हम चर्चा करते हैं देव उठनी एकादशी की। दामोदर या कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की या गौर एकादशी ये साल की बड़ी एकादशी है। इस दिन भगवान विष्णु 4 महीने की निद्रा से जागते हैं। इसी दिन से सभी शुभ कार्य शुरू हो जाते हैं। ये साल की बड़ी एकादशी है। जिन लोगों ने अभी तक एकादशी व्रत नहीं किया वो इस बड़ी एकादशी से अपना व्रत शुरू कर सकते हैं। इस साल 2021 में एकादशी भी दो दिन की है, 14 नवंबर और 15 नवंबर। सबसे पहले आपको एकादशी तिथि का समय बताती हूं। एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 14 नवंबर को सुबह 5:48 AM पर और एकादशी तिथि समाप्त हो रही है 15 नवंबर को सुबह 6:39 AM पर। धर्म सिंधु और निर्णय सिंधु पर आधारित कैलेंडर्स में
एकादशी खाटू श्याम जी मंदिर सीकर में जो देव उठनी एकादशी है वो 14 नवंबर दिन रविवार की है। वहीं बांके बिहारी जी में, राधा रमन जी मंदिर में, गौरिया मठ में, इस्कॉन में 15 नवंबर दिन सोमवार को देव उठनी एकादशी व्रत का पालन होगा। खाटू श्याम जी मंदिर सीकर में श्याम बाबा का जन्मोत्सव 14 नवंबर दिन रविवार को मनाया जाएगा। अब लोग प्रश्न करते हैं कि 14 नवंबर को एकादशी पूरी तरह सूर्योदय में है तो उस दिन व्रत का पालन क्यों ना करें? तो देखो, आसान शब्दों में इस बात को समझ लो, 14 नवंबर को दशमी युक्त एकादशी है और 15 को द्वादशी मिश्रित एकादशी है। जो गृहस्थ होते हैं उनको द्वादशी युक्त एकादशी का ही पालन करना चाहिए, तो इसीलिए हम 15 नवंबर को ही एकादशी व्रत करेंगे। ये इतना शुभ संयोग बन रहा है, ऐसे में हम भक्तों को दोनों दिन एकादशी व्रत करने का भी सुझाव देते हैं। शास्त्रों में ऐसा विधान है कि जो भक्त दोनों दिन व्रत कर सकते हैं उन्हें दोनों दिन का व्रत करना चाहिए, इससे उन्हें महाफल की प्राप्ति होती है। पर जो दोनों दिन व्रत नहीं कर सकते वो द्वादशी युक्त एकादशी का व्रत करें। इसकी संपूर्ण जानकारी हमें ब्रह्म वेवर्त पुराण और स्कंद पुराण में मिलती है। अब मैं आपको पारंसर में बता देती हूँ, जो लोग 14 नवंबर को व्रत करेंगे वो अपने व्रत का पारण 15 नवंबर दिन में 1:10 PM से 3:19 PM के बीच करेंगे। पारण तिथि के दिन हरिवासर समाप्त होने का जो समय है वो 13 बजे है, मतलब दिन में 1 PM। अब लोग प्रश्न ये भी करते हैं कि एकादशी व्रत का पारण तो हमें सुबह अर्ली मॉर्निंग में करना चाहिए, तो अब हम दोपहर में व्रत का पारण क्यों कर रहे हैं? तो देखो, एकादशी व्रत का पारण हरिवासर समय जो होता है उसके दौरान नहीं करना चाहिए। जो श्रद्धालु व्रत कर रहे हैं उन्हें व्रत तोड़ने से पहले हरिवासर का जो समय होता है उसे समाप्त होने की प्रतीक्षा करनी चाहिए। अच्छा, अब ये भी प्रश्न आएगा कि हरिवासर होता क्या है? हरिवासर का जो समय होता है वो होता है द्वादशी तिथि की पहली 1/4 अवधि। जो 15 नवंबर को एकादशी व्रत करेंगे वो अपने व्रत का पारण 16 नवंबर को सुबह 6:44 AM से लेकर 8:01 AM के बीच करेंगे। कुछ भी करके व्रत सूर्योदय के बाद और 8:01 AM से पहले खोल लें, क्योंकि पारण तिथि के दिन द्वादशी समाप्त होने का समय जो है वो 8 बजे ही है। उसके बाद त्रयोदशी लग जाएगी और द्वादशी तिथि के भीतर एकादशी व्रत का पारण ना करना पाप करने के समान माना गया है। अच्छा, एकादशी से प्रारंभ हुआ चातुर्य मास और जो कार्तिक व्रत और सेवा नियम है उसका समापन और उद्यापन भी हम इसी दिन करेंगे। अब लोगों को है ना, दो दो तीज त्योहार सुनकर कुछ कंफ्यूजन सी होती है, कुछ थोड़े लोगों को गुस्सा भी आता है, क्योंकि ये सारी बातें समझना, टाइमिंग समझना आसान नहीं होता। मन कहता है कि जब पूरे दिन की एकादशी है तब तो हमने व्रत नहीं किया, और जब सुबह ही एकादशी तिथि खत्म हो रही है तो उस दिन हम व्रत कर रहे हैं। कोई कहता है इस दिन व्रत करो, कोई कहता है उस दिन व्रत करो, समझ ही नहीं आता कि हम क्या करें। तो देखो, इस विषय में मैं पहले भी बता चुकी हूं, भक्ति में कंफ्यूजन नहीं होती। अगर दीक्षित हो तो जो भी गुरु कह रहे हैं उनका अनुसरण करो, जिस दिन का भी वो व्रत कह रहे हैं, आपको बता रहे हैं, उस दिन का कर लो। पर अगर आप दीक्षित नहीं हो, गुरु आपके जीवन में नहीं है, तो जिन्हें भी आप मानते हो, फॉलो करते हो, उनसे पूछो, जिस दिन भी वो कह रहे हैं उस दिन का व्रत कर लो। अगर आप हमें फॉलो करते हो तो 15 नवंबर का व्रत करना। अगर ऐसा भी कोई नहीं है तो घर के पास वाले मंदिर में जाओ, पंडित जी से पूछो, उन्हें साक्षी मानो और व्रत कर लो। तुलसी विवाह, अब चर्चा करते हैं तुलसी विवाह की। हर साल कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को भगवान विष्णु के शालिग्राम स्वरूप और माता तुलसी का विवाह किया जाता है। इस दिन को देव उठनी एकादशी कहा जाता है। देव उठनी एकादशी के दिन ही भगवान विष्णु 4 महीने की योग निद्रा से जागते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान श्री हरि योग निद्रा से जागने के बाद सर्वप्रथम हरि वल्लभा यानी माता तुलसी को की पुकार सुनते हैं। तुलसी विवाह के साथ ही जो विवाह के सांसारिक विवाह के शुभ मुहूर्त होते हैं वो भी शुरू हो जाते हैं। तुलसी विवाह 15 नवंबर 2021 दिन सोमवार को किया जाएगा। कार्तिक द्वादशी,
16 नवंबर को एकादशी व्रत का पारण सूर्योदय के बाद और सुबह 8 बजे से पहले करके मंदिर में ध्वजारोपण करेंगे। कार्तिक माह महत्तम में द्वादशी को मंदिर में ध्वजा यानी झंडे के दान का विशेष महत्व बताया गया है। प्रदोष व्रत 16 नवंबर दिन मंगलवार को रखा जाएगा। इस बार भूम प्रदोष व्रत है। पंच भिकु या भीष्म पंचक व्रत। एक और बात याद रखना, भीष्म पंचक या पंच भिकु व्रत यानी जो भक्तगण पूरे कार्तिक व्रत स्नान नहीं कर पाए हैं वो कार्तिक के अंतिम 5 दिनों का व्रत नियम लेते हैं। इसी जो 5 दिन का समय होता है इसे भीष्म पंचक या पंच भिकु कहते हैं। वो 15 नवंबर से शुरू होगा और उसका समापन 16 नवंबर को किया जाएगा। वैकुंठ चतुर्दशी। इस साल वैकुंठ चतुर्दशी 18 नवंबर दिन वीरवार की है। इसी दिन पूर्णिमा व्रत और सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजा भी करी जाएगी। अब मैं आपको पूर्णिमा तिथि का थोड़ा समय बता देती हूँ। पूर्णिमा तिथि हमारी प्रारंभ हो रही है 18 नवंबर को दिन में 12 बजे और पूर्णिमा तिथि समाप्त हो रही है 19 नवंबर को दिन में 2:26 PM पर। कार्तिक पूर्णिमा। सूर्योदय में कार्तिक पूर्णिमा 19 नवंबर दिन शुक्रवार की है, पर पूर्णिमा पर चांद की पूजा और चांद को अर्घ दिया जाता है, इसका विशेष विधान होता है, इसलिए व्रत 18 नवंबर को किया जाएगा। पूर्णिमा से प्रारंभ हुआ चातुर्य मास व्रत का नियम सेवा ये सब समापन हमारा 19 नवंबर को होगा। साथ ही कार्तिक स्नान व्रत का उद्यापन, गंगा स्नान, गुरु नानक जयंती ये सब हम 19 नवंबर को ही मनाएंगे। कैलेंडर में बांके बिहारी जी, राधा रमन जी आदि सभी धार्मिक स्थलों पर पूर्णिमा 19 नवंबर को मनाई जाएगी। चंद्र ग्रहण। आंशिक ग्रास चंद्र ग्रहण केवल अरुणाचल प्रदेश और असम में दृश्य है, बाकी जगहों पर ग्रहण का कोई भी सूतक या ग्रहण काल मान्य नहीं है। हम उसी तरह से अपनी पूजा पाठ सेवा करेंगे जैसे रोज करते हैं। कार्तिक स्नान का उद्यापन और पंच भिकु का उद्यापन। देखो, हम अपने कार्तिक स्नान का उद्यापन और पंच भिकु जो हम व्रत करेंगे 5 दिन का, उसका उद्यापन हम 19 नवंबर को करेंगे। 20 नवंबर दिन शनिवार को माघ शीर्ष मास प्रारंभ हो जाएगा। इस दिन सुबह चिड़ा चिड़ी के साथ घर बनाकर पूरा घर को भर के उसकी पूजा करेंगे, फिर कान्हा जी को खिचड़ी का भोग लगाएंगे, दान करेंगे। कार्तिक में जो हमने दाल चावल छोड़े थे वो हम प्रसाद की खिचड़ी खाकर फिर उसको दोबारा से शुरू करेंगे। इसी खिचड़ी के प्रसाद से कार्तिक व्रत और पंच भिकु का पारण होता है। अब अपनी अगली वीडियो में आपको देव उठनी एकादशी की पूजा विधि और व्रत कथा बताऊंगी। मैं उम्मीद करती हूँ इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। इससे संबंधित अगर आपके पास कोई भी कमेंट्स या सजेशन है तो प्लीज हमें लिखें। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी जरूर फॉलो करें। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। हरे कृष्णा।